अच्छा, इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन बगैर किसी डम्स के नहीं निकाल सकते। डम्स क्या होते हैं कि सॉल्व पेपर, क्या होता है सॉल्व पेपर, जैसे फाइव एल पढ़ाते हैं हम लोग, तो सॉल्व पेपर और डम्स। माइक्रोसॉफ्ट के भी डम पेपर्स होते हैं और डम मॉड्यूल्स होते हैं, जो अभी प्रैक्टिकल मॉड्यूल है, एमसीक्यूज मॉड्यूल नहीं होता है। बॉस का एग्जाम जो होता है वो लाइफ आता है, क्या आता है लाइफ। लाइफ में आपको दिखाता भी हूँ, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। उससे पहले मैं थोड़ा सा कंपेरिजन खत्म कर लूँ, 2016 की बात कर रहे थे, 2019 पे आ जाता हूँ। हम जो आपको कोर्स अब जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें 2019 भी है और 2016 भी है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज दिखाई थी, ये हमने आपको अपना ब्रोशर दिखाया था कॉर्पोरेट, जो कि स्पेशलिस्ट के हवाले से था, कि अगर आप सर्टिफिकेशन स्पेशलिस्ट के लिए चाह रहे हैं, एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट आउटलुक एसेस, तो आप सर्टिफाइड हो सकते हैं। और अगर आप मास्टर ट्रेनिंग चाह रहे हैं, अगर आप मास्टर बनाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भी नहीं कराता कि माइक्रो ऑफिस मास्टर ट्रेनिंग, कि अगर आप मास्टर ट्रेनर बनना है, मास्टर बनना चाहते हैं, माइक्रो ऑफिस मास्टर एसेल एक्सेल एक्सपर्ट वर्ल्ड वर्ल्ड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ये 6 महीने का पूरा प्रोग्राम है जो हम करवा रहे थे माइक्रो ऑफिस मास्टर। फिर हमने नया जो चीज लॉन्च करी है माइक्रोसॉफ्ट, हम इसके ऑनर भी हैं, मैड भी हैं, सर्टिफाइड हमारे साथ बहुत काम कर रहे हैं, और हम खुश भी हैं कि हमने इसको फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के, हमेशा से अल्लाह शुक्र लॉन्च करते आते हैं। और ये सेमिनार में खास तौर पर हमने आपको इसलिए भी बताया था कि आपको थोड़ा सा सीरीज, नई सीरीज के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट की जो सीरीज चल रही है 2016 की, वो 77-75 है, सही है 77 और आगे डैश 7-5, 7-6, ये पेपर के कोड पे। माइक्रोसॉफ्ट 2019 के अंदर जो कोड आ गया वो एमओ आ गया, क्या आ गया एमओ सीरीज आ गई। जैसे आप इसकी आउटलाइन में दिखाता हूँ आपको, अब एमओ के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट ने नई चीज निकाली है वो निकाली है एक्सेल एसोसिएट कोड को, इन्होंने एसोसिएट कर दिया, क्या कर दिया कोड को एसोसिएट, एक्सेल एसोसिएट वर्ड एसोसिएट, इसका मतलब ये बेसिक पेपर है, क्या है बेसिक पेपर, स्पेशलिस्ट कराया, जो स्पेशलिस्ट 2016 में था वो अब एसोसिएट हो गया। अच्छा, जो लोग पेपर देते आ रहे हैं 2016 का दे दिया, मैंने 2013 का दिया, तो उनको टेंशन की जरूरत नहीं है, वो मुश्किल से 10% फर्क है, बाकी सर्टिफिकेशन जो है ना आपके पास ऑलमोस्ट वही है। ये जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो ये आउटलाइन आपको दे दी जाती है, इस आउटलाइन के साथ ब्रेक्स आप कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ब्रेक्स करके, आप जब ब्रेक्स हमारे पास करेंगे तो आप सर्टिफिकेशन की पूरी तैयारी कर लेंगे। ये सर्टिफिकेशन हुआ, आप एग्जाम में क्या चीज आ रही होती है मैं वो दिखा देना आपको। अच्छा, ये जैम इंटरफेस है, ये जी मैट्रिक्स एक सॉफ्टवेयर है, क्या है जी मैट्रिक्स एक सॉफ्टवेयर का नाम है, जिसके जिसको आप बाय कर सकते हैं $80 का, उसके अंदर ये सॉल्व है पेपर है, तो जैम में पूरा पैटर्न है। जी मैट्रिक्स को बाय करना, आपको फायदा ये होता है कि वो दो मोड है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, क्या होता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप पहले पढ़ लें, प्रोजेक्ट को पास कर लें, देख लें, उसकी हेल्प ले लें, पेपर को पास कर लिया आपने, आपने पेपर कर लिया, उसके बाद टेस्टिंग, पेपर भी हो रहा होगा आपका, डेमो चल रहा होगा 15 मिनट का। पेपर जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी की और पॉइंट ये है वो ये कि टाइम हैंडलिंग, टाइम हैंडलिंग। शुरू में पेपर को तेज पेस करें तो आपका पेपर निकल जाएगा, अगर शुरू में आपने पेस नहीं करा इनिंग को, जैसे पाकिस्तान इनिंग को अगर पेस नहीं किया तो पाकिस्तान गलत होगा, तो इनिंग को पेस करना बहुत जरूरी है। आपने पेपर को मतलब आधे ज़्यादा पेपर आपका जो है वो 12 से 15 मिनट में, 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए, अगर आप अच्छे से नहीं भी है फिर आप आराम आराम से काम करते रहें। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, उसके अंदर 6 से 7 ब्रेक्स आते हैं, क्या आते हैं 6 से 7 ब्रेक्स। ये क्या है प्रोजेक्ट 1 of 7, प्रोजेक्ट 1 of 7 के अंदर ये आपसे बोलेगा कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर, पहला प्रोजेक्ट ये लाइव प्रोजेक्ट है, डॉक्यूमेंट खोलेगा, डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ किस्म के काम करवाएगा आपसे, जो सेक्शन टास्क 1 में, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5 में लिखे आएंगे आपको बारी बारी परफॉर्म करना है,
परफॉर्म करने के बाद आपको ग्रेट प्रोजेक्ट कर देना। मैं इसको खोलता हूँ आपके सामने, एक प्रोजेक्ट पूरा दिखाता हूँ। The first step tells us to go to page 2 and between the section headings affordable pricing and contact us, we're going to go ahead and insert an Excel file. So I'm going to head and put my cursor in between those two sections. I'm going to go to the insert tab. अब ये जो बोल रहा है पेज 2 पे, अब आपको डॉक्यूमेंट के पेज 2 पे जाना है, जहां वो बोल रहा है वहां पे जाना है। क्या काम करना है वो आपको यहां पे जाना है। अगर ये आपको पता होगा फॉरन जाए क्लिक करेंगे एक मिनट में भी से कम में ये सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको जगह पता होगा कौन से टाइप में किस जगह पे आपके पास आपको जाना है, इसने बोला कि एक फाइल को बनी हुई फाइल एक्सेल की और उसको यहाँ पे लेकर आना है वर्ड के अंदर। तो उसने आइकन रखा फिर उसके पास इंसर्ट में किया ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। Click create from file. We're going to click browse. And this is where you're going to want to go to your documents if it's not there, and then scroll down to your geometrics folder. And then we're looking for location. भी बता दें कि कहाँ किस location से आपको file को लेकर आना है. The bicycle pricing. Excel file. You're not sure you have the file extensions over here. Click insert. And then we're going to go ahead and click OK. And the table is going to load into this section. Alright, we're going to back to page 1 and it says that we're going to add a hyperlink to the bicycle link. Kara kya hai isne ek task complete ho gayi to kya hai ki aapne mark complete kar liya. Acha agar aap exam de rahe ho aur agar aapko ye sawal nahi aa raha to aap isko skip kar sakte hain. Skip se murad aage badh jayega baad mein aage dobara dekhenge. बाद में जब पेपर एंड करेंगे तो बताएगा ये टास्क रह गए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर सो कंप्लीट कर लो। हाइलाइट माय टेक्स्ट। नाउ आई कुड राइट क्लिक बट आई एम गोना शो यू ऑन द इंसर्ट टैब वेयर दिस इज। सो वी आर गोइंग ओवर टू हाइपरलिंक एंड वी वांट टू मेक श्योर वी आर ऑन एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज एंड डाउन हियर इज वेयर वी आर गोइंग टू टाइप द एड्रेस सो http वी वांट टू मेक श्योर अगेन और एक और बात जो वो बोल रहा है वही टाइप करना है। स्पेलिंग मिस्टेक गलत तो लिंक गलत माइनस कर देंगे। अच्छा माइनस इस सेंस में होंगे आप गलत परफॉर्म करें। अगर आपने गलत टाइप कर लिया तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने मार्क कर लिया कंप्लीट तो ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया कंप्लीट, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर वो गलत हो गया। जब तक मार्क कंप्लीट नहीं करा वो आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ये स्पेशलिस्ट में फायदा है। लेकिन अगर आपने एक्सपर्ट में जितनी मतलब चेंजिंग करेंगे वो सब माइनस में चला जाएगा। स्पेशलिस्ट जो सादा पेपर होता है उसके अंदर अगर आपने यहाँ क्लिक करना था यहाँ तो ऑप्शन ही मिल रहा, उधर क्लिक कर लिया उधर क्लिक कर लिया गलत टाइप कर लिया, इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट में जाएंगे तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है वर्ड कह रहे चलो कोई मसला नहीं करो, बस सही करके दिखाओ मुझे। मकसद ये है कि मुझे सही बना के दिखाओ और जो लिखा है वही तो लिख के दिखाओ। जो अक्सर लोग पेपर में हमने गलतियाँ लोगों को देखी है वो ये देखिए कि जल्दी जल्दी में पेपर पास करना है तो अटेम्प्ट करना है कि टाइम कम है तो जल्दी जल्दी में ई लिखना भूल गए, कैपिटल आर लिख दिया, जो स्मॉल है स्मॉल और कोई किसी चीज़ की गलती just before the heading affordable pricing. So here I am, I found the heading, I want to click before the heading, and then I'm going to go to layout breaks, and it told us that this break is going to be a continuous break, so we're going to click ek break daal dena hai. Kitna time laga aaj aap samjha rahe the ek minute bhi nahi lag raha. Jab aap kar rahe honge aapko pata hoga to aapko seconds bhi nahi lagenge. Jab aapko se click karke insert karna hai to aapko seconds bhi nahi lagna chahiye. Ye to bata raha hai aapko samjha raha hai तो समझाने के अंदर उसको मिनट से भी कम लग रहा है। Now, if you're looking at this page, you say, "Hey, Mr. Sinclair, there's nothing there. What happened?" You're not sure if you insert that. You want to click the home tab and click this Show Hide button. But what it will do is it'll show you everything that you might not normally see. And so we have the section break up here. अच्छा ये चीज बता भी रहा है कि अब ये यूजर के लिए जो पढ़ लेंगे वर्ड पढ़ना पढ़ लिया जिन्होंने उनको पता होगा कि ये ब्रेक डाले है कि नहीं डाला। ये
ये सारी चीजों को आप कनेक्ट कर सकते हैं. So I've seen students insert multiple breaks because they did not know that they had already inserted. So if you're not sure, hold the show hot buttons right here at the back of the screen. All right, we're going to the back up to the bicycle advantage section. And it says we're going to replace the bullets with a bike writer PNG file. So I'm going to go ahead and select my bullets here. And then I'm going to click the drop down box. I'm going to click define new bullet. From here, I'm going to click picture. And then click browse. Go back to our documents. We're going to find the G-Metrics templates. And we're going to find the MicroRider file. And again, our file type's over here. Click OK. We'll click OK. And then it's going to go ahead and replace those bullets. And finally, we're going to go to the bottom of page one. अब ये प्रोजेक्ट वन के अंदर कितने टास्क हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो जो टास्क वो करता चला गया उसने मार्क एस कंप्लीट करा. अब जब 5 टास्क करेगा तो वो ग्रेट प्रोजेक्ट करेगा ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चले जाए. Click this picture and then we're going to apply the soft edge rectangle style. So anytime you have a picture table smart. ठीक है, आसान सवाल है. अगर आपको सॉफ्टवेयर आता हो पूरा, ठीक है, आपसे क्या बोल रहे हैं कि अप्लाई द सॉफ्ट एज रेक्टेंगल स्टाइल टू द फोटो एट द बॉटम ऑफ एक स्टाइल डालने का बोल रहे हैं. You fill in the blank, you get a special tab at the top if you click it. So we have the pictures, tools, formats, and it says we're going to apply a picture style. So we're going to click this. जब आप mouse की पढ़ रहे होंगे तो आप option apply कर रहे होते हैं experiment. लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको certification भी करना है तो जितनी भी मतलब जिस जिस गैलरी में जाएंगे आपको अगर उनके नाम पता होंगे तो आपको पेपर देने में आसानी मिलेगी. Drop down box and I have a bunch of different picture styles. Now, if you're not sure which one is which, make sure you hover over what it is so we'll tell you what it's called. The drop shadow rectangle is not the correct selection, so we'll leave it for this one. देखें ये experiment कर रहे हैं आप, hover up कर रहे हैं, ये count नहीं हो रहा, मतलब click करके mark करेंगे वो count होगा. No, next one. So we'll go ahead and click that. Once I've done, I'll click mark completed, and then I'm going to go ahead and click great. We are working in. अब आप देखिए प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग है ये. पहले उसने डॉक्यूमेंट के लेके ऊपर प्रोजेक्ट करवाया पूरा, डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराया, अब नया प्रोजेक्ट के ऊपर आ गया, नया प्रोजेक्ट अलग डॉक्यूमेंट है. तो ये आपको बड़ा बड़े लेवल पे लेके चलेगा. देखें ये आपको रियल एनवायरनमेंट में लेके चलेगा. ये माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन मुझे इसलिए सबसे ज्यादा पसंद है कि ये आपको वो काम करवा रहे हैं जो बिजनेस में आपको करना होता है, एजुकेशन में आपको काम करना होता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है. ठीक है, तो ये अगर आपने सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से स्टडी करा हो, अगर हमारे मॉडल प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो आपको कोई भी ऐसा आपको कोई मुश्किल नहीं होगी. तो ये पेपर आपको देना होता है. तो अगर आप ये देखें यहाँ तक ये पढ़ा रहा था, उसने 4-5 मिनट में 3 मिनट में यहाँ तक कवर कर दिया पूरे वीडियो के अंदर. ये सारे वीडियो को कम्प्लीट कर दिया. जब हम आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो ट्रेनिंग में सब वीडियोज भी दे रहे होते हैं और आपको जी मैट्रिक्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है. आप उसके जो मॉड्यूल्स हैं हम मॉड्यूल्स आपको दे देंगे, वो पढ़ लेंगे. लेकिन वो लोग जो कि टेस्ट शो होना चाहते हैं जैसे इनको पेपर दे हैं तो इनको हम सजेस्ट करते हैं जी मैट्रिक्स लेने ताकि इनकी टाइम हैंडलिंग हो जाए. क्या हो जाए? टाइम हैंडलिंग, क्योंकि अच्छे खासे बच्चे मार्क खा रहे हैं टाइम हैंडलिंग से. कहते हैं ये क्या, अभी तो 4 पीरियड हुए मेरे में, 3 बाकी, टाइम पूरा हो गया. ठीक है, तो 700 नंबर तो आपको चाहिए चाहिए.